अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, क्रिसमस की खुशियाँ मेरी जानिब से आप सबको मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस के इस मौके पर हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है इंडियन वुमेन्स ने, क्योंकि 1977 से लेकर अब तक जो नहीं हो सका आज कर दिया इंडियन वुमेन्स ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हम लोगों ने देखा, इसे इंजॉय किया। कल के दिन की बात करें तो 233 पर 5 खिलाड़ी आउट थे, और आज जाते साथ जनाब धमाल मचा दिया, यानी 28 या 26 रन के बस 5 खिलाड़ी आउट किए, और राणा ने तो 2 विकेटें ली 2 रन देकर। सो जी, जो पिच के अंदर लो बाउंस था, टर्न था, उसका फ़ायदा उठाया इंडियन स्पिनर्स ने और ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। 75 रन्स की जो लीड थी, वो जनाब जो 75 रन्स का टारगेट था, वो इंडियन वुमेन्स ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया और ये मैच जीत लिया। सो जी, आप सबको मुबारक हो। जितने क्रिकेट के फैंस हैं और जितने हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, उनको मुबारक हो। ये बड़ी ही एक खुशी का मौका है। आई डू रिमेम्बर कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब पाकिस्तानी वुमेन्स ने T20 पहली दफ़ा जीता था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, सो आई वॉज़ फीलिंग सो हैप्पी। और टेस्ट फॉर्मेट की तो क्या बात है भाई, उसमें अगर आपने नंबर 1 टीम को हरा दिया सो ये तो एक क्या कहेंगे ना, हिस्ट्री क्रिएट कर दी और खुशियों को दोबाला तहबाला कर दिया जी। सो मुबारक हो जनाब आप लोगों को। और जहाँ पर आप ये खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं सो वहाँ पर आपको पता है कि हम कहते हैं ना कि PCB में ड्रामा चलता रहता है, तो PCB के साथ साथ जो पाकिस्तान है वो भी किसी कॉमेडी से कम नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें सो पहले तो ज़का अशरफ साहब को जनाब तमाम अथॉरिटी दे दी गई, उनको नॉट अथॉरिटी एक्सटेंशन दे दी गई। अब जब एक्सटेंशन दे दी गई तो भैया आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट कैसे करें हम, क्योंकि वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, ओछे हथ कटोरा लबया। सो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, चाहे वो हुकूमत है चाहे PCB है, लोगों को अचानक से इतनी इज्जत मिल गई है, अथॉरिटी मिल गई है, तो समझ नहीं आ रहा। सो जी, अब ये फैसला हुआ है कि जो PCB है वो कोई PSL के या इंटरनेशनल क्रिकेट के मीडिया राइट्स हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं सेल आउट कर सकता। अब ये जो हमारे इंटरिम हुकूमत है, यानी इनकी पोजीशन भी इस वक्त देखा जाए तो ज़का अशरफ साहब वाली है। डे टू डे अफेयर के लिए आए हैं, लेकिन चाहे हुकूमत है चाहे ज़का अशरफ साहब है, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका असर पाकिस्तान पे कैसे पड़ेगा। अब आई डोंट नो, फेब्रुअरी में PSL है, उसके राइट्स अभी बिकने हैं, मीडिया राइट्स, तो क्या होगा कैसे होगा, आई डोंट नो कि ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। लेकिन बस इस चीज़ का एक ही जवाब है कि जो मुल्क है ना, उसके साथ ऐसा लगता है कि कोई सिंसियर है ही नहीं है। और जी, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं, और क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं इस वक्त जनाब अब टेस्ट सीरीज़ की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। दूसरा टेस्ट जनाब शुरू होने वाला है, लेकिन आप सबको पता है कि इंजरीज़ की खबरें आ रही हैं। नोमान अली का जनाब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अब वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अचानक से किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से जनाब एक आपको स्पिनर की ज़रूरत है। साजिद खान वहाँ पर हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कॉल किया गया, और वो किसे कॉल किया गया, तो जनाब बास लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो किस्मत है ना वो लिखवा के लेके आते हैं ऊपर से। और मोहम्मद नवाज़ भी ऐसे ही हैं, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन वो टीम के साथ बंदा ट्रैवल करता रहता है, खेलता रहता है। अब वो T20 के बॉलर हैं, और अगर हम उनकी डोमेस्टिक के मैचेस की बात करें सो वो डोमेस्टिक में एज ए बैटर खेला करते थे, लेकिन फिर जनाब वो बॉलिंग, हम अब उनको वो देखते हैं ना, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, अब T20 में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया कॉल कर लिया गया है जहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत है, और जनाब वहाँ पे उनको कॉल कर लिया गया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो मोहम्मद हफीज़ साहब और वहाब रियाज इतने बड़े बड़े गाने गा रहे होते थे डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, अब इनको यहाँ पे जो काशिफ भट्टी हैं क्यों दिखाई नहीं दिए कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की। और अगर चले हम बात कर लें कि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए है, तो फिर आपको ये वो जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी में भी वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक मोहम्मद इरफान या इरफान खान उनका नाम है, और उनकी 200+ विकेट्स हैं, वो दिखाई नहीं दिए हैं, और जनाब नवाज़ को भेज दिया गया है, मोहम्मद नवाज़ को। तो ये जब आपके हालात होंगे, यानी जब आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है तो आप कुछ और बातें कर रहे होते हो,
अब जब आपके पास अथॉरिटी आई है, आप शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो अब जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना चैन की बांसुरी बजाई जा रही है। प्रोफेसर साहब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है और कुछ कुछ जो है फिर वो क्रिकेट की बात भी वो कर लेते हैं। सो एमसीजी के अंदर भी मैं आपको बता दूं, पर्थ से कुछ अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है वो अप्रोच जो है वो हम सबके सामने है। और जी वकार यूनुस का भी बयान सामने आया, उनको जनाब समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया है शाहीन शाफरीदी को, और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्हें क्या हो गया है, स्पीड कहाँ पे चली गई है। तो मैं वकार यूनुस साहब से पूछना चाहूंगी, 4 दफा वो पीसीबी के अंदर सर्व कर चुके हैं, अभी रिसेंटली रमीज राजा से पहले तक वो बॉलिंग कोच थे, तो वो तो सब डोमेस्टिक के लड़कों को जानते हैं, किस टैलेंट को उन्होंने डेवलप किया, कौन से ऐसे वो लड़के थे जो वो सामने लेके आए, कौन से जो वर्कलोड मैनेजमेंट के प्लान्स थे वो उन्होंने बनाए। सो बाहर बैठ के ना सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो दे हैव नथिंग, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं मेरी और आपकी तरह। चले हमारा तो काम ही बातें बनाना है, लेकिन आपको तो अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ ना करें तो बड़े अफसोस की बात है भाई। जनाब अब हम आईपीएल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि अब क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं अभी लाहौर आई हुई हूँ, सो मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पे मैं जाऊँगी ना वहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, खासतौर पर स्पेशल जो प्लेसेस होंगे लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो हम लोग जनाब लाहौर के ठीक किला गए, लाहौर फोर्ट, लेकिन वहाँ पे इतना रश था बिलीव मी कि स्पोर्ट्स की वीडियो तो बिल्कुल भी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी। लेकिन मैंने कुछ वहाँ पे कुछ पिक्चर्स और कुछ शॉर्ट्स आप लोगों के लिए बनाए, और मैं इस वीडियो के एंड में उसे अटैच करूँगी। अगर आप लोगों को नेचर से मोहब्बत है या आप लाहौर फोर्ट को थोड़ा बहुत देखना चाहें जल्दी जल्दी में, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी इसे। और एक मैं बड़ी ज़बरदस्त जगह पर गई हूँ जो कि अब ओपन हुई है, और जो हमारे सिख बहन भाई हैं उनके लिए वो बड़ी एक सैक्रेड वो जगह है। अब वो क्या है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बल्कि वो दिखाऊंगी भी आप लोगों को। अच्छा जी अब आईपीएल की जानी बातें हैं, और जब हम आईपीएल की बात करते हैं, सो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसे नाम, वैसे तो बड़े बड़े नाम पिक हुए हैं, मिनी ऑक्शन हुई, लेकिन अगर हम पैसे की बात करें और जिस प्राइस मनी पे प्लेयर्स पिक हुए हैं वो किसी तौर भी मिनी ऑक्शन तो नहीं थी भाई। सो जनाब 24 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क जो हैं वो पिक हुए, और फिर पैट कमिंस 20 करोड़ रुपए में पिक हुए। आप देखिए मेरे ख्याल से जो आईपीएल की प्राइस है ना, प्राइस विनिंग प्राइस वो 20 करोड़ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कहाँ आप 24 करोड़ एक प्लेयर को दे रहे हैं, और वो भी ऐसा प्लेयर जनाब अगर हम स्टार की बात करें जो कि पिछले कुछ अरसे से आईपीएल खेलते भी नहीं आ रहे हैं, सो उनको पिक कर लिया गया। अब यहाँ पर जो दिनेश कार्तिक हैं उनका कल मैं क्रिक बस पे मेरे ख्याल से वो बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो मिनी ऑप्शन है ना इनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं कि जिनका फ़ायदा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो बाय और जो उनके मैनेजर्स हैं वो उठाते हैं, और फिर उन्होंने इसकी सोल्यूशन भी बताई है कुछ। बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और इंडिया के ऐसे प्लेयर जो कि नेशनल साइड से अभी तक नहीं खेले हैं, लेकिन उनको बड़ी अमाउंट में पिक किया गया है। यानी सुबह के वक्त उनकी लाइफ कोई और थी, और जब जैसे ही सूरज ढला उनकी लाइफ जनाब कुछ और हो गई, इतना पैसा आ गया, नाम आ गया। और सबसे पहले जो नाम है वो है समीर रिजवी का। समीर रिजवी की जनाब बात की जाए तो यूपी के अंदर अभी जो T20 लीग हुई थी इसमें इन्होंने, इसके ये हाईएस्ट स्कोरर थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, और अब जनाब चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें पिक कर लिया है। आप देखें इनकी जो बोली स्टार्ट हुई थी वो जनाब 20 लाख रुपए से इनकी जो ऑक्शन है वो शुरू हुई, और 8.40 यानी 8 करोड़ 40 लाख रुपए में इनको पिक किया गया है। और जनाब जो दूसरा नाम है जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो है शाहरुख खान का। शाहरुख खान के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, और वैसे ये जो शाहरुख खान है इनका नाम भी इनके अम्मा अब्बा ने, ये जो फिल्म स्टार शाहरुख खान है उनसे इंस्पायर होकर रखा। अब देखते हैं कि ये शाहरुख खान क्रिकेट की दुनिया में ये जो किंग शाहरुख खान है फिल्म इंडस्ट्री के, उन जैसा नाम बना पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक तो बड़े सही जा रहे हैं भाई। वैसे पंजाब जो किंग्स हैं उन्होंने इस दफा इन्हें रिलीज कर दिया था, और अब फिर इन्हें जनाब गुजरात टाइटंस ने पिक किया। 40 लाख रुपए से ऑप्शन इनकी शुरू हुई और वो 7 करोड़ 40 लाख तक पहुंची।
तो जनाब इनको एक बड़ी अमाउंट पे पिक किया गया है और अब इस दफ़ा इन्हें गुजरात टाइटन्स ने पिक किया है। इसके अलावा जनाब रॉबिन मिंस, मैं इनका नाम सही ले रही हूँ, तो झारखंड से मेरे ख्याल से इनका ताल्लुक है और जनाब 20 लाख से इनकी जो बोली है वो शुरू हुई और 3 करोड़ 6 लाख रुपए में गुजरात टाइटन्स ने इन्हें पिक किया है। और जी इसके अलावा भी कुछ दीगर नाम हैं जैसे कि कुमार कशारगर हैं कि जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने पिक किया है। अब कुमार कशारगर की बात करें तो रिसेंटली जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी हुई है इसमें इन्होंने अपनी टीम की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया और बड़ी अच्छी बात है कि आपको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बिना पे पिक किया गया है। और जनाब इन्हें जो पिक किया गया है वो 7 करोड़ 20 लाख रुपए में पिक किया गया है। इसके अलावा कुछ दीगर नाम भी हैं कि जैसे कि शुभम दुबे का मैं जिक्र कर रही थी, उन्हें पिक किया गया है। और जनाब इसके अलावा शुभम दुबे की बात करें तो 5 करोड़ 8 लाख रुपए में इन्हें पिक किया गया है जनाब। और राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें पिक किया है। वैसे दिल्ली की टीम भी इंटरेस्टेड थी इनको पिक करने में लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो कामयाब हो गई और उन्हें पिक कर लिया। इसी तरह जो एक और नाम है वो जनाब यश दयाल का है जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 5 करोड़ रुपये में पिक किया है। और जनाब इनका जो ताल्लुक है वो इलाहाबाद से है और ये जो हैं ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। अब देखते हैं कि जो इन अपनी टीम है उसके लिए ये क्या काम करते हैं, क्या खिदमात सर अंजाम ये देते हैं। डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं ये। और अगर हम जनाब दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो एम सिद्धार्थ हैं जी के जिन्हें जनाब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 2 करोड़ 4 लाख रुपए में पिकअप किया है। और जनाब सुशांत मिश्रा का नाम मैं देख रही थी, ये जो सुशांत मिश्रा है ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और के जिसकी वजह से फिर गुजरात टाइटन्स की टीम ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में जनाब इन्हें ख़रीदा। वैसे जो हैदराबाद सनराइज़र्स हैं कि जिनके पास काफ़ी पॉकेट मनी थी इस दफ़ा कि जिन्होंने पैट कमिंस को पिक किया और मेरे ख्याल से मुझे इस दफ़ा ऐसा ये लग रहा है कि हैदराबाद की जो टीम है ना उसने बड़ी अच्छी पिक जो खिलाड़ी हैं उन्हें पिक किया है। ये भी इनको पिक करने में इंटरेस्टेड थे लेकिन जनाब जो यहाँ पर सनराइज़र्स हैं वो पीछे रह गए और गुजरात टाइटन्स की टीम आगे निकल गई। ये तो वो खिलाड़ी हैं जो कि इससे पहले नेशनल जो कि अभी तक नेशनल टीम में नहीं खेले और बड़ी इनको बड़ी अमाउंट में पिक किया गया है। चेन्नई सुपर किंग की मैं बात करूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी पिक की, जैसे कि समीर को पिक किया उन्होंने, एक और खिलाड़ी हैं उनको पिक किया, नाम मेरा मुझे जहन में नहीं आ रहा। और जनाब मिचल जो कि डेरल मिचल हैं और जो रविंद्र रुचिंद्रा हैं इन दोनों को पिक किया। आप देखिए डेरल मिचल को 14 करोड़ रुपए में पिक किया और जो जो रविंदर हैं रचिंद्र रविंद्रा हैं उनको 1 करोड़ और मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए में पिक किया है। मुझे ऐसे वो लग रहा था कि रचिन जो है वो इससे ज़्यादा की अमाउंट पर जाएंगे लेकिन आई थिंक कि वो जितना आई वॉज एक्सपेक्टिंग उससे कम अमाउंट पर पिक हुए हैं। लेकिन बहरहाल जनाब IPL है, बहुत से खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, बड़ा नया टैलेंट सामने आ रहा है हमारे। ये तो कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो पिक हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है कि जो आपकी लीग है इससे, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि जो नए खिलाड़ी हैं उनका ना सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उनका एक उनको जो दूसरे खिलाड़ी जो उनको देख रहे हैं उनमें मोटिवेशन आ रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। अगेन आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बेहद मुबारक हों। और जी ये जो लास्ट में मैंने लाहौर फोर्ट की कुछ क्लिप्स और पिक्चर्स मैंने अपलोड की हैं, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो उन्हें देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। और अब दीजिए जनाब मुझे इजाज़त, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।